सभी किसान भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का हम टॉपिक रखेंगे कि मछली 1 kg के होने तक कितना फीड खाएगी और कितने रुपए का फीड खाएगी और कितने रुपए तक आराम से बिक जाएगी। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन बात करेंगे स्पेसिफिक जो मोस्ट वेराइटीज़ है, 4-5 वेराइटियों के बारे में ही पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि कौन सी मछली कितना फीड खा रही है, कितने रुपए का फीड खा रही है और कितने की बिक रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IMC की, इंडियन मेजर कार्प की। इसमें 3 फिश होती है, रोहू, कतला और मरगल। इसमें से सबसे ज़्यादा प्राइस लेके चलती है रोहू, और उसके बाद में प्राइस होती है कतला की, और सबसे कम जो प्राइस होती है वो मरगल की होती है। तो अपन बात करेंगे कि फिश को तैयार करने में लगभग कितना फीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक फिश को तैयार करने के लिए, 1 kg की करने के लिए लगभग 1400 से 1600 ग्राम यानी कि लगभग 1.5 किलो के आसपास फीड का खर्चा आता है, मतलब कि फीड खाएगी है और इसका खर्चा पड़ता है आपके 50 से 55 रुपये तक। ये हो गया आपका IMC का 1 kg तक होने पे कितना खर्चा आ गया। अगर आपको फीड का खर्चा कम करना है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा आपका पौंड होगा उसमें उतना ही कम आपका फीड का खर्चा आएगा। इसलिए आप, अगर आपको फीड का खर्चा कम करना है तो आपको पौंड की लंबाई को बढ़ाना होगा। और साथ ही इसके साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा बच्चा लेंगे उतना ही फीड का खर्चा कम आएगा। अगर अपन 1 kg रोहू, कतला, मृगल का अपन प्राइस निकालें तो 120 रुपये से लेकर 140 रुपये तक आराम से बिक जाती है। ये तीनों का एवरेज है। अब हम बात करते हैं कार्प्स की, कि जिसमें आती है कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प। तो इस फिश के बारे में अपन एक चीज़ बिठा लें कि ये फीड का खर्चा इसमें बहुत कम आता है। इसमें अपन मान के चलिए ये फीड खाती है 1200 से 1400 ग्राम तक, एक फिश 1 kg के होने तक इतना फीड खाती है। और इसके अलावा ये अपने नॉर्मली घास फूस वगैरह जो पौंड में उगे हुए नेचुरल फीड को भी आराम से ग्रहण करती है, उसको खाकर भी बड़ी होती है। और इसकी प्राइस मार्केट प्राइस होती है 110 रुपये से लेकर 130 रुपये पर केजी तक। अगली फिश की बात करते हैं अपन, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है आज के समय में। इस फिश का नाम है रूपचंद्रा। ये वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा एक उभर कर आने वाली मछली है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली मछली भी है। अपन बात करते हैं इसके फीड के बारे में, तो 1500 से 1700 ग्राम का फीड खा जाती है 1 kg के होने तक। और इस मछली का मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा होता है और आजकल किसान इसको ज़्यादा पाल रहे हैं, अधिक मुनाफा देने वाली मछली मानी गई है ये। अब हम बात करेंगे तिलापिया के बारे में, तिलापिया मछली के कल्चर के बारे में बात करते हैं। तिलापिया के अंदर एक बड़ी समस्या भी और प्रॉफिट दोनों के बारे में बात करेंगे आज अपन, कि तिलापिया में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर दोनों को एक जगह रखा जाता है तो ये आपस में प्रजनन की क्रिया कर लेती है, ब्रीडिंग की क्रिया अपने आप कर लेती है। और अगर एक सेक्स को रखा जाता है, या तो नर या मादा, इन दोनों में से एक को रखा जाता है, तो अपन इसको प्रोडक्शन के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन दोनों को साथ रखते हैं तो ये ब्रीडिंग करके बच्चे दे देती है, जिसका यूज अपन दूसरी अन्य मछली तैयार करने में, जैसे चीतल वगैरह के फीडिंग के लिए, इनके फीड के लिए अपन इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसका मार्केट प्राइस होता है 80 से 90 रुपये kg के हिसाब से ये मार्केट में बिकती है। और हम जो ये प्राइस बता रहे हैं ये ऑल ओवर इंडिया की एक औसत प्राइस के रूप में हम निकाल के लाए हैं ये रेट। अब हम बात करेंगे फंगास के बारे में, और फंगास एक कैटफिश है और इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। फंगास के बारे में हमारा जो पिछला वीडियो है वो निकाल के आप देख सकते हैं, फंगास के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। और मोटे मोटे इसमें बता दें कि अपने को इसमें जो बच्चा है वो बड़ा ही डालना है, 50 से 300 लाइन का ही बच्चा डालना है, ताकि अपने फीड का खर्चा कम आए। इसमें फीड का खर्चा अपन मान के चलते हैं 1250 से 1550 ग्राम तक फीड खाती है, और इसका मार्केट प्राइस 120 रुपये से 130 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बिक जाती है मार्केट में। बाकी तो आप किसान भाइयों को पता ही है कि जो पौंड है, जो मछली है आपका फीड, उसके अकॉर्डिंग खाती है। जितना बड़ा आपका पौंड आता है, उसको घूमने के लिए जितनी जगह होती है, उसके हिसाब से आपका फीड का खर्चा कम हो जाता है। और एक बात और किसान भाई इस बात पे गौर करें कि जो आप बच्चा डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि ये ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस पर, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है।
तो हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे नए वीडियो आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार का कोई सा भी बच्चा, कोई सी भी साइज़ में बच्चा चाहिए, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।